दिख रहा है दांत मोबाइल में, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ओके अरे पूरी साड़ी वर्क की है ये सर, ये वर्क नहीं निकलेगा सर पानी में, देख लो ना अभी आप खुद ही देखना है ना, वर्क खराब करके मेरे को पैसा नहीं देगा ना कस्टमर, देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। फिर काम भी होना चाहिए एकदम अच्छा और खराब भी नहीं होना चाहिए, ये अपना प्रायोरिटी है। और यहाँ पे भी हमने कुछ दाग थे जो बांध दिए हैं, छोटे मोटे दाग थे, लेकिन जो आपको ये दिखाया ना कैमरे में जी सर, ये बहुत ज्यादा बड़े स्टेन है ये। अच्छा। ओके तो इनको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ये स्टेन है कौन चीज का सर? ये अभी है ना, ये फ्रंट साइड में ही है ना, देखिए यहाँ से इतना पल्लो है आपका। ओके इतना पल्लो है ना आपका। ये आईएफबी का फ्लफ लिक्विड है, ये मैं यूज करूंगा इस साड़ी के स्टेन हटाने में। और पानी मैंने कम से कम 30 लीटर तक पानी लिया है दोस्तों, उसमें मेरी एक दो साड़ी और हो जाएंगी। ये 20 ml हो गया, इधर इधर भैया मैंने आया वीडियो में तो चलेगा, मेरा काम आना चाहिए बस। हाँ ये 20 ml 40 ml हो गया, अभी इसमें हम थोड़ा सा सोडा एश डालेंगे। और सोडा एश डालना है मतलब इसमें साड़ी हम डाल के छोड़ने नहीं वाले, एक दो मिनट ही साड़ी इसमें रहने वाली है दोस्तों। ओके तो उस अगर ज्यादा टाइम रखते हो तो साड़ी का वर्क खराब होगा और साड़ी का कलर खराब होगा। और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर ये है, अभी वो स्टेन दिखाइए मुझे। ये दाग है दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। ओके और ऐसे बहुत सारे दाग है इस साड़ी के ऊपर, और वर्क भी है। और ये सिंथेटिक वाला कपड़ा है, तो चलो भाई इसी दाग को मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। ओके तो बने रहिए इस वीडियो में। कितना बचा? ओके चला गया। ये थोड़ा सा बचा है अभी ना, थोड़ा सा बचा। ये थोड़ा सा बचा है, गया। रामकृष्ण जी गया कि नहीं? था इसमें भी था। बड़ा दाग गया ना तो छोटे छोटे भी जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। पूरी साड़ी के दाग चले गए, सिर्फ केमिकल सही से यूज किया है। और अभी इसका काम तो हो गया है, बट मैं इसको है ना थोड़ा फॉल में खराब है ना, तो 2 मिनट इसमें वॉश करता हूँ, बाकी दाग तो पूरे चले गए। अभी आफ्टर वॉश के लिए मैं इसमें एसिडिक एसिड डालूंगा। ये 2 बकेट में मैं खंगाल कर रहा हूं, तो लास्ट वाला खंगाल में मैं एसिडिक एसिड डाल दूंगा। ओके और ये नहीं है कि हमने सिर्फ यही साड़ी की है दोस्तों, ये देख लीजिए ये सभी साड़ियां ड्राई क्लीनिंग हो गई है। और सबसे आखिर में हमने एक्सपेरिमेंट करने का जो काम होता है ना, एक्सपेरिमेंट करना,
वीडियोस बनाना तो सबसे आखिर में होता है, काम के बीच में कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों इसको मैंने दो बार अच्छे से पानी में खंगाल कर दिया है, एक बार एसिटिक एसिड वाले में, एक बार फ्रेश वाटर में। तो अभी इसको 2 मिनट हाइड्रो भी हो गया है, मतलब ये पूरी प्रोसेस होने में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 मिनट लगा है दोस्तों। और साड़ी देखिए आप, इसका वर्क आ रहा है ना ठीक से? ओके, पूरी साड़ी के ऊपर वर्क है दोस्तों। देख लीजिए बहुत सारे बड़े बड़े स्टेन थे इसके ऊपर। और स्मेल भी काफी बढ़िया आ रहा है, आया भी लिक्विड इसमें हमने डाला था दोस्तों। तो बस ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। और जो IFB लिक्विड है ना वो आपको ऑनलाइन मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, IFB लिक्विड की और बहुत सारे लॉन्ड्री केमिकल्स और एक्सेसरीज जो मैं यूज करता हूँ अपने डेली रूटीन में, तो वो आप बाय कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और बाय कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।